पर दोस्तों आज हम सीखेंगे अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सारी संख्या के बारे में अपन डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला टॉपिक अपना है अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या होती है, देखो अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें किसी और का भाग नहीं लगता है, स्वयं का ही भाग लगता है। देखिए दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो, दो के बाद आती है दोस्तों तीन, तीन के बाद आती है पांच, फिर आती है सात, फिर इसके बाद आती है ग्यारह, फिर आती है तेरह, फिर आती है सत्रह, है ना। ये सब अभाज्य संख्या है। यदि किसी का अपना गुणनखंड करना हो तो इन अभाज्य संख्याओं से अपन भाग लगा सकते हैं, है ना। सत्रह के बाद आती है दोस्तों उन्नीस, उन्नीस के बाद आती है तेईस, तेईस के बाद आती है उनतीस, फिर इकतीस, सैतीस, इकतालीस और तरालीस। इस तरह से अपन अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। और जो अभाज्य संख्या स्वयं, इसमें स्वयं का ही भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, जिनको बोलते हैं अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे अपन किसी का गुणनखंड करना हो तो इन अभाज्य संख्याओं से ही भाग दे सकते हैं, अभाज्य संख्याओं से ही भाग दे सकते हैं, इसलिए गुणनखंड में ये संख्या काम आती है। इसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं, प्राइम नंबर भी बोलते हैं, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभी इसका यूज कहां होता है? जो गुणनखंड करना और वर्गमूल निकालने में इन चीजों का उपयोग होता है। ए दोस्तों मैं आगे आपको गुणनखंड करना सिखाता हूं। देखिए अब आती है सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जो संख्या दोस्तों जिसमें दो का भाग लग जाता है, जिसके जिस संख्या की इकाई में शून्य हो, दो है, चार है, छह हो और आठ। इकाई में कहां पे होना चाहिए? इकाई का जो अंक है वो शून्य होना चाहिए, दो चार छह आठ है तो वह सम संख्या होगी। कौन संख्या होगी? सम संख्या होगी, जैसे आठ सौ चौपन। तो जो दोस्तों इकाई में चार है तो ये कौन सी संख्या होगी? एक सम संख्या होगी, जो दो से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, दो से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है। अगली बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसमें इकाई में क्या होता है? इकाई में तो दोस्तों एक, तीन, पांच, सात, नौ, ये अंक इकाई में होना चाहिए, तो कौन सी होगी? विषम संख्या होगी, ठीक है। जैसे कि 731 तो एक है, 869 तो नौ, ये कौन सी है? विषम संख्या है। इसको क्या बोलते हैं अपन? विषम संख्या। अगली संख्या आती है दोस्तों अपनी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? जैसे दोस्तों एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ऐसे संख्या दोस्तों अनंत तक अगर जाती है, इन संख्याओं पर प्राकृत संख्या बोलते हैं। सब क्या प्राकृत संख्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह जो क्रम से चलती है, इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं, अनंत तक जाती है, ये है प्राकृत संख्या। अगला ऑप्शन अपना आता है पूर्ण संख्या। दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है? जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है दोस्तों एक से शुरू होती है, दो, तीन, चार, पांच, छह ऐसे चलती है, लेकिन प्राकृत संख्या में शून्य भी अगर अपनों ने मिला दिया तो ये पूर्ण संख्या का दर्जा प्राप्त होता है, क्योंकि अपनों को 10 लिखना है तो शून्य की जरूरत पड़ेगी, 50 लिखना है तो शून्य की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 100 लिखना है तो दो एक लिख के दो शून्य लगा दो, ये 100 हो गया। तो इसलिए अगर शून्य इसमें जोड़ दिया जाए तो ये क्यों होगी? पूर्ण संख्या होगी। संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है। अगला अपन देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों?
जिन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जो क्यू है ये नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का जो मान है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जिससे 2/5 एक परिमेय संख्या है। 2/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 6/2 ये एक परिमेय संख्या है ना। 8/5 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको पी बटे क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, पर पी बटे क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। क्यू का जीरो नहीं है, क्यू का मान यहाँ पे जीरो नहीं है। अगला आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों जैसे कि पाई, √2, √3, √5, √7, ये इन संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? अपरिमेय संख्या है। पाई, √2, √3, √5 ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।